हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस। और फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस और निफ्टी की डेली एनालिसिस मैं चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट कर करके देख सकते हैं। वीकली एनालिसिस में वीकली के ट्रेड देता हूँ कि क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस होगा। और स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया तो दैट इज तो ट्रेड एक्टिव हो गया, तो आप उस हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगा सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड आपको पता ही होता है कि क्या मैं टारगेट आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए ज्यादातर स्टॉप लॉस के बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं आपको लेवल बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लेवल बताया कि भाई आपको 45,000 के ऊपर बाय करना है, ठीक है। तो भाई 400 तक जाएगा तो आप 45,000 के नीचे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में इससे ज्यादा कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा और 200 पॉइंट का ट्रेड मिल गया, ठीक है। तो निफ्टी में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, 100 पॉइंट के ट्रेड लिए, जितने का टारगेट बन रहा है उसका 50% का स्टॉप लॉस, राइट। टारगेट 500 पॉइंट का है, 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट 1000 पॉइंट का है, 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, आपको 100 लगाना है, 50 लगाना है, लगा लीजिए। मैं आपको सपोर्ट भी बताता हूँ, नीचे की सपोर्ट क्या है, सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप 50 60 70 पॉइंट का लगा लीजिए, आपके ऊपर, राइट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आर टाइम। हमने वीकली पे जो डिस्कशन किया आप लोगों को पता ही होगा। अब कैसे करना है हमारे को डेली पे काम, ये 15 मिनट चार्ट है। सोमवार के दिन कैसे ट्रेड करना है, देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो दिखा रही है वो 45,160 के आसपास, 160-170 के आसपास दिखा रही है। अब इसका एक सपोर्ट जोन है 45,140 से लेके 44,950 तक, ठीक है, क्लियर है कि 44,950 से लेके भाई 45,140-50 तक ये पूरा सपोर्ट जोन का काम करेगा, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है। अब बाजार अगर नीचे आते हैं फ्लैट खुल के या गैप डाउन देके, तो इसे यहीं कहीं सपोर्ट बनाना चाहिए, ठीक। फिर ये सपोर्ट बना के जब 45,140 के ऊपर निकलेगा तब हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा और हमारा टारगेट आएगा 45,400 तक। फिर हम वेट करेंगे 45,450 के ऊपर निकले तो टारगेट पहला 620 और फिर 660 के ऊपर तक के लिए वेट करेंगे, भाई 620 से 660 हमें ट्रेड नहीं करना, फिर 660 के ऊपर 45,850 वो टारगेट आएगा। पहली सिचुएशन कि भाई फ्लैट खुला या गैप डाउन हुआ और नीचे आया। दूसरी सिचुएशन कि फ्लैट खुल के और या गैप अप देके ऊपर जा रहा है, ठीक है। फ्लैट खुला, अभी यही कंसोलिडेट किया, ऊपर निकल गया, ठीक है। एकदम से तो ऊपर जाएगा नहीं ना फ्रेंड्स, कि फ्लैट खुला और ये लीजिए ऊपर, इस तरीके से मार्केट कभी नहीं जाती है। फ्लैट खुल के थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए और कंसोलिडेट करके जब वो ये जो कैंडल है ठीक 45,200-210-15 के आसपास उसके ऊपर निकलने लगती है, फिर फ्रेंड्स आप 45,400 तक के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। फिर 45,400-380 से 410 तक, 380 तक के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जब 410 को क्रॉस कर जाएगा फिर ये गैप फिलिंग के लिए जाएगा और 45,620 तक का टारगेट बनेगा। पहला तो ये गैप हो गया जो 520 तक है, फिर उसके ऊपर 620 तक के लिए जाएगा, ठीक है। तो मैंने सेफर साइड ये दिया, मैंने लिखा कि भाई 45,450 के ऊपर 620 के लिए ट्रेड लीजिए। तो मैंने ये इसलिए लिखा कि भाई अगर कोई ट्रेडर रिस्क कम उठाना चाहता है तो 450 पे कंफर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे अब रेजिस्टेंस के ऊपर टिक गया तो फिर आप 620 तक के लिए ट्रेड एक्टिव कर लीजिए, ठीक है। पहला तो वो गैप फिल करेगा और 540-50 के आसपास, 500 प्लस पे जब वो गैप फिल कर देगा, और गैप फिलिंग कैसे होती है मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मैं हर वीडियो में वैसे बताता ही हूँ, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन कि वो गैप फिलिंग किस तरीके से करता है। ये जो कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस, ठीक, क्या क्लोजिंग प्राइस आ रहा है, 600, 45,600 इसका क्लोजिंग प्राइस आ रहा है। तो हमने क्या टारगेट सेट किया, 620, ठीक। आप चाहें तो 600 पे एग्जिट कर दीजिए, आई हैव नो इश्यू, रेजिस्टेंस है 620, ठीक है। 620 से लेके 660 तक का ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मेरे अकॉर्डिंग 620 टेस्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने 620 का टारगेट दिया, ठीक है, कि इसके ऊपर निकल जाए तो आप 620, आपको पता है 170 पॉइंट है तो थोड़ा सा सेफ कर लेते हैं, 450 के ऊपर उठा लेंगे, वैसे तो ट्रेड 410 के ऊपर ही एक्टिव हो जाता है, ठीक। 620 से लेके 660 तक वो वेट कीजिए, फिर 660 के ऊपर निकल जाए तो 850 पर ट्रेड। अब गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए
कूल डाउन हो, नीचे आए, बेस बनाए, आपको दिखे कि 45-140 के ऊपर ट्रेड कर ही रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा है, बेस बना के एक पैटर्न सा बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करा, तो 45-400 के लिए ट्रेड ले लीजिए, उसके ऊपर निकलेगा या वहां तो दोबारा ट्रेड ले लीजिए, या फिर जो लोग मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं वो लोग पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए और उसको ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस, ठीक है। हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, नीचे के लिए हायर टॉप हायर बॉटम का एक 5 मिनट चार्ट के ऊपर ट्रेल कर लीजिए उसे, ठीक है। और जब वो टारगेट अचीव हो जाए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और फिर जब रेजिस्टेंस जोन दोबारा ऊपर का रेजिस्टेंस जोन निकल जाए तो कर लीजिए। अब व्हाट इन द केस ऑफ बड़ा कोई गैप अप हो जाए, अब देखिए 170 के आसपास है, सीधा 400 खुल गया, ठीक है, तो उसे आने दीजिए, लेट इट कम, ठीक है, लेट इट कम डाउन। अब वो सीधा रेजिस्टेंस जोन के ऊपर खुला है, राइट। अब कई बार ऐसे सिचुएशन होती है कि भाई वो बड़ा गैप अप खुलता है फिर भी ऊपर निकलता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स कि वो कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिखता है कि नहीं भाई अब वो तो इसके ऊपर टिक गया, तो फिर हम लोग उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि ट्रेड ले लेते हैं, ठीक। लेकिन मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या ये 170 मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है? तो फ्रेंड्स देखिए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो था वो डेली चार्ट में आपको दिखा रहा हूं 44,000-44,500 के आसपास था। अब ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास जाके क्लोज हुआ है, तो इसे गैप अप का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और गैप अप देने के बाद वो कितना सस्टेन करेगा, जब इतना बड़ा गैप अप हो गया और नीचे से वैसे ही इतना बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, 90 डिग्री के आसपास एंगल बन रहा है, तो सस्टेन कहां करेगा? तो प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो यहीं कहीं से इसी जोन के अंदर से एक करेक्शन देगा और वो 950-60 या 45,000 के आसपास आएगा, फिर वो बेस बना के ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज हाई फॉर दिस, ठीक है। तो लॉन्ग साइड थोड़ा सा यहां पे संभल के काम करने की जरूरत है, बिल्कुल उतावले होकर काम नहीं करना, ठीक। फिर भी मैंने इसलिए आप लोगों को लेवल बताए कि लेवल्स का ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा लॉन्ग साइड पे, एक करेक्शन दे दे, अगर करेक्शन दे के वो ऊपर आए ना 45,000 या 44,950 से, फिर तो बिंदास जाएगा ऊपर, पैटर्न बहुत जबरदस्त बना है, ब्रेकआउट देके ही क्लोज हुआ है, ठीक है। और फिर ये कहीं तक भी जा सकता है, देखिए ये 46,200 तक भी बनता है इसका हिसाब, तो ट्रेड बहुत अच्छा मिल जाएगा। बाकी बड़ा ट्रेड वीकली पे देख लीजिए कहाँ एक्टिव होगा, वीकली की एनालिसिस मैं अपलोड कर ही चुका हूँ, ठीक है। डेली के लिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहां तक गैप डाउन हमें 44,950 तक बाय करना, इसके नीचे अगर चलता है तो फिर शॉर्ट एक्टिवेट हो जाएगा 44,810 और 44,670 के लिए, ठीक है। जब तक ये 44,950 के ऊपर है यहां बाय डिप्स करने की कोशिश करेंगे, चाहे गैप डाउन हो चाहे फ्लैट खुल के नीचे आए, ठीक है। और गैप अप जो होता है वो ज्यादा सस्टेन नहीं होगा, अगर हो जाए तो फिर मैंने आप लोगों को बताया कि क्या लेवल है, 45,450 के ऊपर टिकी जाए तो फिर 620 के लिए ट्रेड ले लीजिएगा, 660 के ऊपर टिक जाए तो 850 के लिए ले लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट मत कीजिएगा अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट। अगर वो नीचे आके भाई सीधा कोई बड़ा गैप अप हुआ फिर नीचे आने लगा, जैसे मान लीजिए 410 के ऊपर के आसपास खुला, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं, वो आपकी कॉल है, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि नीचे आए बाय कीजिए, बाय डिप्स मार्केट है, सिंपल एज इट इज, ठीक। गैप अप देखे अब ऊपर टिकता है तो नीचे का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर लीजिए, ऊपर शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट कहां करना है 44,950 के नीचे, ठीक है। ऊपर रिस्की शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन मैं ट्रेंड के अगेंस्ट कम ही जाता हूं क्योंकि मेरे को अपनी प्रोबेबिलिटी हाई रखनी है, मैं 95% की प्रोबेबिलिटी से ट्रेड करता हूं फ्रेंड्स, और मैं हाई रखना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि मेरे को लॉसेस पसंद नहीं आते, मैं चाहता हूं जो ट्रेड लें उस पर शांति से बैठें और सही डायरेक्शन में बैठें, ठीक है। 10-20-50 पॉइंट के लिए ऊपर नीचे करके स्टॉप लॉस देने से ना मार्केट को कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा अपनी मेरी वीडियोस को, और वीडियोस में जो लोग कमेंट कर रहे हैं स्टॉक्स के लिए तो मैंने आप लोगों को बोला ही है टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर आप कोई भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एवरी वीक उसके ऊपर व्यूज दे दूंगा, ठीक है। बाकी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाने में प्रॉब्लम केवल इतनी आती है कि फ्रेंड्स
वीकेंड फैमिली के साथ देना होता है, हम लोग हर हफ्ते ट्रेड करते हैं और दिन और रात, मैं तो कॉमोडिटी भी ट्रेड करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब रात रात 11 11 12 12 बजे तक जब काम करते हैं तो फैमिली का हक बनता है सैटरडे संडे। तो मैं इसलिए केवल वीकली एनालिसिस या डेली एनालिसिस शेयर जरूर कर देता हूँ, लेकिन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों को व्यूज भी दे देता हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बना पाता हूँ स्टॉक्स के ऊपर। देखेंगे कभी किस दिन टाइम मिलेगा, कोई हॉलीडे होगा तो फिर डेफिनेटली आपको स्टॉक बताएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं घर पे हुआ तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं वीडियोस बना दूं स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।